ओके तो क्विज शुरू करते हैं दोस्तों। चलिए कुछ लोगों का और वेट कर देते हैं। तो नमस्कार, स्वागत है लेट्स क्रैक यूपी एग्जाम से आप सभी का। पर्यावरण पारिस्थितिकी के प्रश्न हम देख रहे थे, एमसीक्यू सॉल्व कर रहे थे। अभी हमने आज सुबह परीक्षा खबरी नहीं दिया था तो लेट से दिया, आप लोगों ने देखा होगा। जो लोग नहीं देख पाए हैं परीक्षा खबरी देख लें, उसमें मैंने पूरे 14 दिन के करंट अफेयर्स को एक बार रिवाइज कर दिया है। ओके, गुड इवनिंग आप सभी को। शुरू करें इसके पहले मैं बता देना चाहता हूं कि परीक्षा खबरी आज लेट मैंने दिया था, थोड़ा सा बड़ा था, 14 दिन का करंट अफेयर्स, उसमें थोड़ा रिवाइज मैंने किया था, तो उसको अवश्य देख लें करंट अफेयर्स के लिए। तो अच्छा, आप लोगों ने अभी तक अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड किया कि नहीं, इंस्टॉल किया कि नहीं, ये बताइए। अनअकैडमी लर्निंग ऐप अभी तक आप लोगों ने डाउनलोड इंस्टॉल किया कि नहीं? अगर नहीं किया है तो कर लीजिए, काफ़ी अच्छी सुविधा आपके लिए वहाँ पर। ठीक है, स्पेशल क्लासेस हैं, फ्री क्लासेस हैं, सब्सक्रिप्शन क्लासेस भी हैं। सब्सक्रिप्शन क्लासेस थोड़ी सी ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके लिए, क्योंकि 1-2 वर्षों के लिए आपको इंगेज कर देती है, आपको एक बढ़िया प्लेटफॉर्म वो जो है उपलब्ध कराती है। ओके, और आप चाहें तो ये कोई भी सब्सक्रिप्शन आपको लेना हो अगर अनअकैडमी पे, तो ये ऐप है। और सब्सक्रिप्शन वाले भाग में इंटर रेफरल कोड जहाँ पर आएगा वहाँ पर UD10, ये आप रेफरल कोड डाल करके कोई सब्सक्रिप्शन लीजिएगा तभी आपको छूट मिलेगी। और फिर हमको ये 9453775039 मेरा नंबर है व्हाट्सएप का, उस पर भेज दीजिएगा तो आपको अन्य सुविधाएं भी मैं अलग से प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, और वहां पे भी प्लस कोर्सेज में भी जो हेल्प हो सकेगी मेरी तरफ से आपको मिलेगी। तो ये UD10 रेफरल कोड आप अवश्य यूज करिएगा जब भी वहां पर कोई भी कोर्स ज्वाइन करिएगा। सबसे बड़ी बात है कि एक कोर्स में आप एडमिशन लेंगे तो आपको पूरा इन अकेडमी पे कुछ भी आप पढ़ सकते हैं 2 साल तक, ये अच्छी सुविधा है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज थोड़ा कम क्वेश्चंस को हमने लिया है क्योंकि परीक्षा खबरी एक तो शाम को दिया 6 बजे, देर से आया, और अभी 10 बजे मैं स्पेशल क्लास लूंगा पॉलिटी का। तो आप लोग स्पेशल क्लास, जो लोग अनअकैडमी लर्निंग ऐप जिन्होंने डाउनलोड इंस्टॉल किया है वो वहाँ पे स्पेशल क्लास मेरी इंडियन पॉलिटी की, उसमें भाग 5 जो संघ है वो मैं आज पढ़ाऊंगा। तो इसलिए आज क्वेश्चंस की जो मात्रा हमने रखी है उसमें कम रखी है। चलिए फिलहाल देखते हैं, आप लोग अपने उत्तर देते जाइए। ठीक है, अपने उत्तर देते जाइएगा। पहला प्रश्न देखिए, प्रायः सुर्खियों में रहने वाले फ्रेमवर्क फॉर एक्शन ऑन मरीन प्लास्टिक्स लिटर, ये एक पहल है किसकी? संयुक्त राष्ट्र सचिवालय की, G20 की, UNEP की, या फिर इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन की? चलिए उत्तर दीजिए। प्रायः सुर्खियों में रहने वाला फ्रेमवर्क फॉर एक्शन ऑन मरीन प्लास्टिक्स लिटर एक पहल है किसकी है? हम्म,
ना ना ना, कोई उत्तर तक नहीं पहुंच पाया। इसका उत्तर होगा दोस्तों बी, G20, ठीक है ना। ये ग्रुप 20 का है, फ्रेमवर्क फॉर एक्शन ऑन मरीन प्लास्टिक्स लिटर। याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है, जो लोग यूपीएससी दे रहे हैं उनके लिए भी ये महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा। ठीक, आइए इसके बारे में देख लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। हालिया संदर्भ ऊर्जा स्रोत परिवर्तन और समावेशी विकास के लिए वैश्विक पर्यावरण विषय पर आयोजित G20 मंत्री स्तरीय बैठक में फ्रेमवर्क फॉर एक्शन ऑन मरीन प्लास्टिक लिटर को अपनाया गया। एक विज्ञप्ति में G20 पर्यावरण मंत्रियों द्वारा महासागरीय प्लास्टिक कचरे और माइक्रो प्लास्टिक्स काफी चर्चा में रहा, एवं अन्य प्रकार के महासागरीय कचरे से निपटने तथा महासागरीय पारिस्थितिकी तंत्र, आजीविका, उद्योगों और मानव स्वास्थ्य पर इसके प्रतिकूल प्रभावों को संबोधित करने हेतु तो कार्रवाई का आह्वान G20 सम्मेलन में किया गया, मंत्री स्तरीय जो सम्मेलन हुआ था। वर्ष 2017 में हैमबर्ग जर्मनी में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन में G20 एक्शन प्लान ऑन मरीन लिटर के अंतर्गत निर्मित G20 इम्प्लीमेंटेशन फ्रेमवर्क फॉर एक्शन ऑन मरीन प्लास्टिक लिटर को अपनाया गया था। तो ये महत्वपूर्ण है, कब? 2017 में, कहां? हैमबर्ग जर्मनी में, जो आयोजित हुआ था G20 शिखर सम्मेलन, वहां पर इसको अपनाया गया था। क्लियर है? ये अगला प्रश्न है, ये विभिन्न प्रदूषक हैं और उससे फैलने वाली जो बीमारी है उसके बारे में दिया है, और कौन से सही सुमेलित है ये आपको बताना है। इनमें से कौन से सही सुमेलित है ये आपके ऑप्शंस हैं, और ये आपका उत्तर है। उत्तर कौन सा आपके हिसाब से सही होगा बताइए। एक बात मैं आपको दिखा देता हूं, बताइए। आदित्य चौधरी जी ने सही आंसर दिया है, ठीक है। इसका पहला और चौथा ही सही है, बाकी दोनों गलत हैं, दो तीन गलत हैं। नाइट्रेट से ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है, कैडमियम प्रदूषण से इटाई इटाई रोग होता है, न कि ब्लैक फुट, और आर्सेनिक की ज्यादा मात्रा से क्या होता है, ब्लैक फुट रोग होता है, जबकि मरकरी से मीनामाटा रोग होता है। तो पहला और चौथा तो सही है, बाकी दोनों गलत है। कैडमियम से इटाइटाई रोग, आर्सेनिक से ब्लैक फुट रोग, नाइट्रेट से ब्लू बेबी सिंड्रोम और मरकरी से मीनामाटा रोग। तो इसका केवल एक और चार सही सुमेलित हैं, सी इसका उत्तर होगा, ठीक है। ब्लू बेबी सिंड्रोम, जिसे शिशु मेथोमोग्लोबेनीमिया बिनेमिया के रूप में जाना जाता है, एक ऐसा रोग है जिससे ग्रसित शिशु की त्वचा नीली हो जाती है। देखिए, ब्लू बेबी सिंड्रोम के स्थान पे अगर शिशु मेथे मोग्लोबिनोमिया अगर ये पूछ लिया जाए तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, ब्लू बेबी सिंड्रोम का ही नाम है, इसी को ब्लू बेबी सिंड्रोम कहते हैं। शरीर इसमें नीला पड़ जाता है, त्वचा नीली हो जाती है, इसलिए इसको ब्लू बेबी सिंड्रोम कह दिया जाता है, लेकिन इसका जो असली नाम है वो ये है, ठीक है, ये उसका असली नाम है। यह शिशु के रक्त में हीमोग्लोबिन की कम मात्रा के कारण होता है। ब्लू बेबी सिंड्रोम का सबसे सामान्य कारण नाइट्रेट संदूषित जल है, नाइट्रेट से जो दूषित होता है जल, वो जब शिशु द्वारा नाइट्रेट युक्त जल का सेवन किया जाता है तो शरीर नाइट्रेटों को नाइट्राइटों में परिवर्तित कर देता है। ये नाइट्राइट शरीर में हीमोग्लोबिन से आबद्ध हो जाते हैं, जिससे मेथेमोग्लोबिन निर्मित होता है। हीमोग्लोबिन से मिलकर के मेथेमोग्लोबिन बनाते हैं, जो ऑक्सीजन का वहन करने में असमर्थ होता है। ब्लैक फुट रोग, ये परिधीय संवहनी रोग PVD का एक गंभीर रूप है, जिसमें शरीर के निचले अंगों में रक्त वाहिकाएं गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। इसके परिणाम स्वरूप अंततः प्रगतिशील ग्रैंगीन विकसित होता है, जो आकार में बढ़ता रहता है। यह रोग आर्सेनिक के दीर्घकालिक संपर्क से संबंधित है, आर्सेनिक प्रदूषण से संबंधित है ब्लैक फुट रोग। यह रोग पश्चिम बंगाल तथा समीपवर्ती क्षेत्रों में अधिक व्याप्त है, जहां पेयजल में आर्सेनिक की उच्च मात्रा पाई जाती है। प्रश्न भी आया था कि सबसे ज्यादा प्रभावित कौन है आर्सेनिक से, तो पश्चिम बंगाल उसका उत्तर होगा। इटाई टाई रोग का यह नामकरण, जो इटाई टाई रोग था, वर्ष 1912 में जापान के टोयामा प्रांत में वृहद पैमाने पर कैडमियम विषाक्तता के लिए प्रयुक्त किया गया था। कैडमियम के प्रदूषण के कारण होता है ये इटाई टाई रोग। इसको मेरुदंड और जोड़ों में दर्द की गंभीर स्थिति के लिए प्रयोग किया जाता है।
कैडमियम विषाक्तता हड्डियों के मुलायम होने और वृक्क की विफलता का कारण बन सकती है। अंत में मिनामाटा रोग एक गंभीर न्यूरोलॉजिकल सिंड्रोम तंत्रिका संबंधी संलक्षण है जो गंभीर पारा विषाक्तता के कारण मरकरी विषाक्तता के कारण उत्पन्न होता है। इसके संकेतों और लक्षणों में अटाक्सिया, हाथों और पैरों में संवेदन शून्यता, मांसपेशियों का सामान्यतः कमजोर होना, परिधीय दृष्टि की हानि और श्रवण एवं वाक क्षमता का ह्रास आदि सम्मिलित है। मिनामाटा रोग की पहचान सर्वप्रथम वर्ष 1956 में जापान के कुमामोटो प्रांत के मिनामाटा शहर में की गई थी। यह औद्योगिक अपशिष्ट जल में मिथिल मरकरी के बहिस्राव के कारण प्रसारित हुआ था। हाल ही में सुर्खियों में रहा इंड एयर, ये क्या है? चार ऑप्शन आपके सामने है। इंड एयर क्या है मैं पढ़ ही देता हूं। उत्तराखंड में स्थापित की गई भारत की प्रथम हिमालयी वायु निगरानी प्रणाली, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु प्रदूषण के खतरनाक प्रभावों के बारे में लोगों को जागरूक करने हेतु तो ईपीसीए द्वारा प्रारंभ किया अभियान, समताप मंडली गुब्बारों के एक नेटवर्क के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए भारत की प्रथम निजी पहल, और डी है वायु गुणवत्ता अनुसंधान और अध्ययन के लिए भारत की प्रथम वेब आधारित रिपोजिटरी। ऑप्शंस आपके सामने हैं, उत्तर दीजिए। एक बार फिर देख लें, इंड एयर क्या है? डी, ठीक है। मिस्टर साजिद अली ने, अच्छा विजय कुमार यादव जी ने सबसे पहले उत्तर दिया इसका, तो डी इसका उत्तर होगा, वायु गुणवत्ता अनुसंधान और अध्ययन के लिए भारत की प्रथम वेब आधारित रिपोजिटरी। इंड एयर के विषय में वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR और राष्ट्रीय पर्यावरण अभियंत्रिकी अनुसंधान संस्थान ने, जो कि नागपुर में स्थित है, ने देश का प्रथम इंटरेक्टिव ऑनलाइन संग्रह रिपोजिटरी लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया ये भी पूछ सकता है, तो याद रखिएगा CSIR और एनईरी ने, जिसे इंड एयर या इंडियन एयर क्वालिटी इंटरेक्टिव रिपोजिटरी कहा जाता है। यह रिपोजिटरी विश्व में ऐसी कुछ ही सुविधाओं में से एक है तथा इसमें सर्वाधिक अर्थात 262 केस जो स्टडी है दिल्ली NCR से संबंधित है। इस परियोजना का उद्देश्य जनता, मीडिया, शोधकर्ताओं और शिक्षाविदों को सरलता से सुलभ वेब प्रारूप में वायु गुणवत्ता अनुसंधान और अध्ययन उपलब्ध कराना है। अतः कथन डी सही उत्तर है। उल्लेखनीय है कि यह वायु प्रदूषक तथा इसके कारणों एवं प्रभावों पर मौजूदा भारतीय अनुसंधान और विश्लेषण को सूचीबद्ध करने के लिए प्रथम व्यापक प्रयास है। इंड एयर में देश में वायु प्रदूषण अनुसंधान और विधान का इतिहास उपलब्ध करवाने हैं, तो इंटरनेट से पूर्व के समय अर्थात 1950 से 1999 के स्कैन किए गए दस्तावेजों, अनुसंधान लेखों, रिपोर्टों, केस स्टडीज तथा 2000 से अधिक विधियों का संग्रह है। इसमें वर्ष 1905 के पश्चात के देश के पर्यावरण संबंधी सभी प्रमुख कानून जो है सम्मिलित हैं। CSIR और नीरी के बारे में, इसके बारे में हालांकि मैंने सुबह वाले वीडियो में कई बार बताया है, लेकिन एक बार फिर देख लेते हैं। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR और राष्ट्रीय पर्यावरण अभियंत्रिकी अनुसंधान संस्थान भारत सरकार द्वारा स्थापित और वित्त पोषित एक शोध संस्थान है। इसकी स्थापना नागपुर में वर्ष 1958 में जलापूर्ति, सीवेज निपटान, संचारी रोगों और कुछ सीमा तक औद्योगिक प्रदूषण व स्वतंत्र भारत में सामान्य रूप से देखे जाने वाले व्यवसाय जनित रोगों पर ध्यान देने के लिए की गई थी। यह वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR का एक भाग है तथा पर्यावरण विज्ञान एवं अभियांत्रिकी के क्षेत्र में एक अग्रणी प्रयोगशाला है। चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता और मुंबई में इसकी 5 क्षेत्रीय प्रयोगशालाएं हैं। नीरी केंद्र सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत आता है। नीरी भारत की POPs अर्थात चिरस्थायी कार्बनिक प्रदूषक राष्ट्रीय कार्यान्वयन योजना NIP में एक महत्वपूर्ण भागीदार संगठन है। निम्नलिखित पर विचार कीजिए, काली गर्दन वाला सारस, कृष्णग्रीव सारस, दूसरा चीता, तीसरा उड़न गिलहरी, कंदली इसको कहते हैं, और चौथा हिम तेंदुआ। ये आया हुआ प्रश्न है, IAS का प्रश्न है। इनमें से कौन से भारत में प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं? तो ये रहे आपके ऑप्शंस। उपर्युक्त में से कौन से भारत में प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं?
विजय प्रकाश उपाध्याय। आंसर आपका सही है बी 1 3 4। चीता को विलुप्त घोषित किया जा चुका है, बाकी तीनों पाए जाते हैं, काली गर्दन वाला सारस, कृष्णगिर सारस, उड़न गिलहरी, कंदली और हिम तेंदुआ ये पाए जाते हैं, जबकि चीता इसको विलुप्त घोषित किया जा चुका है भारत में। वर्ष 1952 में चीता को भारत से विलुप्त घोषित किया गया था। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में किए गए एक सर्वेक्षण में इस बात की पुष्टि हुई। अब ये मत कहिएगा कि हम तो यहाँ चिड़ियाघर गए थे, वहां पे हमने चीता देखा, तो चिड़ियाघर के चीता की बात नहीं हो रही यहाँ पे, पर्यावरण ये प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं उसकी बात हो रही है। ठीक है, तो वर्ष 1952 में चीता को भारत से विलुप्त घोषित किया गया था। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में किए गए एक सर्वेक्षण में इस बात की पुष्टि हुई थी कि हिम तेंदुआ भारत में उपस्थित है। काली गर्दन वाला सारस जम्मू एवं कश्मीर का राज्य पक्षी है, याद रखिएगा। उड़ने वाली गिलहरी भारत के साथ ही रूस, चीन, जापान तथा यूरो, अब चूंकि राज्य रहा नहीं इसलिए इस प्रश्न का कोई मतलब नहीं जम्मू कश्मीर, लेकिन जब जम्मू कश्मीर राज्य था तब वहां का राज्य पक्षी था। उड़ने वाली गिलहरी भारत के साथ ही रूस, चीन, जापान तथा यूरोप, अफ्रीका और उत्तर अमेरिका के अनेक भागों में पाई जाती है। भारत में उड़न गिलहरी की 7 जातियां पाई जाती हैं। ओके, अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में लवण जल मगर पाया जाता है। दूसरा है, मालाबार क्षेत्र के पश्चिमी घाटों में श्रू और टैपीर पाए जाते हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन से या कौन सा सही है? एक बार फिर पढ़ देता हूं। अच्छा, आप लोग उत्तर दे दीजिए अपना पहले। अंडमान और निकोबार, जी जो लोग अभी अभी आए हैं, अभी अभी लिख जुड़े हैं, वो बैक कर लें, ठीक है, कर्सर से या मोबाइल पे चला रहे हैं तो वीडियो को बैक करके देख लें पूरा। आज कम हमने प्रश्न शामिल किए हैं क्योंकि आज हमने ऑलरेडी अभी 6 साढ़े 6 बजे परीक्षा खबरी दिया था, वो भी मैं कहूंगा, वो तो देख ही लीजिए आप। किसने उत्तर दिया है? विजय कुमार यादव, सही उत्तर है आपका ए, केवल एक सही है। ये श्रू और टैपीर जो है पश्चिमी घाट में नहीं पाए जाते हैं मालाबार क्षेत्र में, बल्कि श्रू और टैपीर हिमालयी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। पहला वाला सही, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में लवण जल मगर पाया जाता है, तो पहला ही सही है, केवल ए इसका उत्तर होगा। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, अंडमान एवं निकोबार के समुद्री जीव जंतुओं में डुगोंग्स, डॉल्फिन, व्हेल, साल्ट वाटर क्रोकोडाइल, लवण जल मगर इसी को बोलते हैं, साल्ट वाटर क्रोकोडाइल, समुद्र कछुआ, समुद्री कछुआ, समुद्री सांप आदि सामान्य रूप से बहुतायत में पाए जाते हैं। श्रू एवं टैपीर विशाल हिमालय श्रृंखला में पाए जाते हैं, न कि मालाबार क्षेत्र में। तो ये हिमालय श्रृंखला में पाए जाते हैं श्रू और टैपीर, ये याद रखिएगा हमेशा के लिए। निम्नलिखित कथन पर विचार की, ये भी आईएएस में पूछा हुआ प्रश्न है। भारत में रेड पांडा प्राकृतिक रूप से केवल पश्चिमी हिमालय में पाया जाता है। भारत में स्लो लोरिस उत्तर पूर्व के सघन वनों में रहता है, बताइए। एक दो दोनों, न तो एक न तो दो। एक बार फिर पढ़ देते हैं, सत्य कथन क्या होगा? भारत में रेड पांडा प्राकृतिक रूप से केवल पश्चिमी हिमालय में पाया जाता है। दूसरा है, भारत में स्लो लोरिस उत्तर पूर्व के सघन वनों में रहता है। किसने सही उत्तर दिया है? ACCP, NP, इन्होंने शॉर्ट फॉर्म में अपना नाम लिखा हुआ है, NP जी ने सही उत्तर दिया है, इसका बी होगा, केवल दो। भारत में रेड पांडा प्राकृतिक रूप से केवल पश्चिमी हिमालय में नहीं, पूर्वी हिमालय में ज्यादा पाया जाता है रेड पांडा, न कि पश्चिमी हिमालय में। तो पहला वाला गलत है स्टेटमेंट। दूसरा है, भारत में स्लो लोरिस उत्तर पूर्व के सघन वनों में रहता है, ये सही है। उत्तर पूर्व के सघन वनों में, सिक्किम आदि में स्लो लोरिस पाया जाता है, तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। और भारत में रेड पांडा प्राकृतिक रूप से उत्तर पूर्वी भारत के उप हिमालयी क्षेत्रों में पाया जाता है, अर्थात पूर्वी हिमालय, मुख्य रूप से सिक्किम, पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश राज्यों में, अतः कथन एक गलत है।
भारत में स्लो लोरिस मुख्यतः उत्तर पूर्वी राज्यों असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय में पाया जाता है। अतः कथन दो सही है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से सही है? UNREDD+ रेड प्लस प्रोग्राम की, ये भी IAS में हुआ पूछा हुआ प्रश्न है, प्रोग्राम की समुचित अभिकल्पना और प्रभावी कार्यान्वयन महत्वपूर्ण रूप से योगदान दे सकते हैं। ऑप्शन है आपके सामने ये, जैव विविधता का संरक्षण करने में, वन पारिस्थितिकी की समुत्थानशीलता में, गरीबी कम करने में, और ऑप्शन आपके ये रहे ABCD, उत्तर दीजिए। गौरव यादव जी, आपने सही उत्तर दिया है। ठीक है, सबसे पहले गौरव यादव जी का उत्तर आया है डी। तीनों ही सही है, तीन रेड प्लस प्रोग्राम की समुचित अभिकल्पना और प्रभावी कार्यान्वयन एक महत्वपूर्ण प्रोग्राम है, व्यापक प्रोग्राम है, जिसमें जैव विविधता का संरक्षण, वन पारिस्थितिकी की समुत्थानशीलता के अलावा गरीबी कम करना भी इसका लक्ष्य है, इसका उद्देश्य है। तो इसमें डी होगा, 1, 2, 3 तीनों। रेड, यूएन रेड प्लस है क्या? रिड्यूसिंग इमिशंस फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन, वनीकरण के संदर्भ में है, वनों के कटाव से संबंधित है। एक अंतर संस्थागत कार्यक्रम है जो UNFCCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के सदस्य देशों के तत्वाधान में चलाया जा रहा है। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है इसको अलग से। यूएन रेड प्लस प्रोग्राम की समुचित अभिकल्पना और प्रभावी कार्यान्वयन जैव विविधता का संरक्षण करने में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है, साथ ही साथ वन्य पारिस्थितिकी की समुत्थानशीलता में तथा विकासशील देशों को आर्थिक प्रोत्साहन द्वारा गरीबी कम करने में भी भूमिका निभा सकती है। ध्यातव्य है कि रेड कार्यक्रम से ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कम करने हेतु वित्त प्रवाह संभव है, जो गरीब देशों के विकास व जैव विविधता संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। रामसर सम्मेलन संरक्षण से संबंधित था, किसके संरक्षण से? तो आसान प्रश्न है, रामसर सम्मेलन। ठीक है श्वेता जी, सही आंसर आपने सबसे पहले दिया है। आर्द्र भूमि या नम भूमि, आर्द्र भूमि या नम भूमि, सी इसका उत्तर होगा। ओके, रामसर सम्मेलन ईरान में स्थान है, ये रामसर नाम का, रामसर सम्मेलन आर्द्र भूमियों के संरक्षण से संबंधित है। रामसर ईरान में अवस्थित नगर है। 2 फरवरी 1971 में यही हुई बैठक के बाद इस कन्वेंशन की नींव पड़ी। कब हुई थी? 2 फरवरी 1971 में। वर्ष 1975 में पूर्णतः यह क्रियान्वित हुआ था। कब क्रियान्वित हुआ था? 1975 में रामसर में हुई बैठक के कारण ही इसे रामसर कन्वेंशन के नाम से जाना जाता है। भारत की आर्द्र भूमियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये दो कथन है, इस पर विचार करना है आपको। ज्यादा देर विचार मत करिएगा, जल्दी से विचार करके उत्तर दीजिए। आर्द्र भूमि के अंतर्गत देश का कुल भौगोलिक क्षेत्र अन्य राज्यों की तुलना में गुजरात में अधिक अंकित है, सबसे ज्यादा है। भारत में तटीय आर्द्र भूमि का कुल भौगोलिक क्षेत्र अर्थात तट पे, इसमें इसका कहने का मतलब है दूसरा, कि जो तट पे आर्द्र भूमि है, नम भूमि है, वो आंतरिक क्षेत्र में, जो भारत के आंतरिक भाग में आर्द्र भूमि है, उससे अधिक है क्षेत्रफल। तो क्या यह सही कह रहा है? तो पहला दूसरा कथन है, आपको बताना है उत्तर कौन सा होगा। जया राय का उत्तर एकदम सही है, जया राय जी ने उत्तर सही दिया है, इसका ए उत्तर होगा। ठीक है, दूसरा गलत है, दूसरा गलत है। जो तटीय आर्द्र भूमि है उसमें जो है क्षेत्रफल आर्द्र भूमि का ज्यादा नहीं है, आंतरिक भाग में ज्यादा है, सबसे ज्यादा गुजरात में है, ये सही है। पहला वाला ऑप्शन सही है, दूसरा गलत है। ये भी IAS का ही प्रश्न है, पूछा जा चुका है। बी इसका जो है, अच्छा पूछा है कौन सा सही है, तो ए इसका ऑप्शन होगा सही, केवल एक। भारत में आर्द्र भूमियों के कुल भौगोलिक क्षेत्र का आंतरिक आर्द्र भूमि के अंतर्गत कुल लगभग 70% क्षेत्र आता है आंतरिक आर्द्र भूमि में, और तटीय आर्द्र भूमि के अंतर्गत मात्र 27.13% क्षेत्र है।
जबकि शेष जो है 3.64% क्षेत्र सूक्ष्म आर्द्रभूमियों के अंतर्गत आते हैं। आर्द्रभूमियों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र वाला जो राज्य है गुजरात है। पूजा जी, यहां पर जो दिख रहा है उसके अनुसार हो सकता है कि आपका नाम रह गया हो। नहीं, अपडेट है, अपडेट है, ठीक है ना। क्या चीज अपडेटेड नहीं है? अच्छा, ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, आर्द्र भूमि जो है अपडेट नहीं होगी, बड़ी होगी कुछ, है ना। ठीक है, आंकड़े अपडेटेड नहीं होंगे, लेकिन जो बात है वो एकदम अब 70% से घट करके 27% से कम तो नहीं हो जाएगी, है ना। अच्छा ठीक है, पर्यावरण पास की अब स्टार्ट इसी तरह हम डेली ले आएंगे। अभी हम करंट पर फोकस करेंगे, पर्यावरण पारिस्थितिकी से संबंधित जो करंट है, चूंकि हमको लगता है जो लगभग 12-14 वीडियो हो गए पर्यावरण पारिस्थितिकी पे, तो कॉन्सेप्चुअल पोर्शन जितना है वो कवर हो गया है लगभग। तो अब हम करंट पे फोकस करेंगे, जो एक वर्ष में करंट से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं पर्यावरण पारिस्थितिकी से, वो हम स्टार्ट करेंगे अब, ठीक है ना। हाँ, 37 है, 26 नहीं है, 37 है। राइट राइट, आप लोग पढ़ रहे हैं, काफी अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग इन्वॉल्व होते हैं, है ना। सबसे बड़ी बात है कि इन्वॉल्वेशन, आप किसी चीज को यूं ही ना पढ़िए, इन्वॉल्व होइए उसमें, फिर पढ़ने का मजा ही दूसरा होगा। नहीं, 6 ही है, मान्यता प्राप्त 6 ही है, मान्यता प्राप्त 6 ही है, 9 तो अपडेट नहीं हुआ है अभी, तो मैं देख रहा था, या हो सकता है अभी मैं देख करके आप लोगों को बता दूंगा कल वाले वीडियो में। आर्द्रभूमि से अभी सवाल मुझे बनाना है, क्योंकि अभी जो सम्मेलन वगैरह हुआ था पिछले वर्ष, जो उसमें समझौते वगैरह हुए थे, जो स्थिति है उस पर एक वीडियो बनाना है, तो कल वाले में चर्चा कर दूंगा करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन बना करके। ओके, 6, 7, 9, कोई 6 कर रहा है, कोई 7, 9, तो कंफ्यूजन हो गई थोड़ी, लेकिन इसको अपडेट करके सही करवाते हैं। और अभी स्पेशल क्लास आप लोगों को लेनी हो पॉलिटी की, तो भाग 5 जो कि सबसे महत्वपूर्ण भाग है, जहां से ज्यादा फंसाऊ क्वेश्चन आते हैं, तो उस पर मैं अभी लेक्चर देने वाला हूँ 10 बजे अनएकेडमी लर्निंग ऐप पे, तो आप लोग स्पेशल क्लास वो ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री क्लास रहती है। स्पेशल क्लास में कुछ आपको पे नहीं करना रहता, बाकी पे के लिए प्लस कोर्सेज हैं वहाँ पे, UD10, आप, मैंने आपको रेफरल कोड बता दिया, अगर आपको ज्वाइन करना हो तो ऐसे ही मत ज्वाइन करिएगा, UD10 रेफरल कोड के साथ ज्वाइन करिएगा, ताकि हम आपकी हेल्प कर पाए वहाँ पे, ठीक है। और हम, हमारे पास भी बहुत सारी चीज़ें हैं, काफ़ी दिनों से जुड़े हुए हैं, तो हम भी आपको प्रोवाइड कराएंगे। नंबर नोट कर लीजिए हमारा, 9453775039। आप लग रहा है TCS जयो को भूल गए हैं अनअकैडमी के चक्कर में। ये सेशन हमेशा चलता रहेगा, ठीक है ना, ये सेशन चलता ही रहेगा। ओके, और कुछ आपको जानना हो एग्जाम एग्जाम के बारे में तो पूछ सकते हैं, क्योंकि लाइव तो यही क्लास हो पाती है आप लोगों के साथ। जय हो पे क्लास ले रहे हैं आप लोग, ठीक लग रहा है। प्रियांशु जी पढ़ा रहे हैं वहां पे, वो भी आपका ही चैनल है। जी, तो नंबर हमारा नोट कर लीजिए, और
9453775039 व्हाट्सएप है। कभी कभी उत्तर कम समय होने की वजह से आप लोगों को समय से प्राप्त नहीं हो पाते, जैसे अगर आपने कमेंट अभी कर दिया या आपने मैसेज कर दिया, तो मोबाइल अभी मैंने ओपन किया है तब तो आपके उत्तर तुरंत मिल जाएगा, नहीं तो बाद में जब ओपन करेंगे व्हाट्सएप तब दे पाते हैं। तो कुछ लोग नाराज हो जाते हैं, तो नाराज मत होया होया करिए भाई लोग। हाँ महाजनपद चल रहा है, सही है। हाँ ठीक है, आप लोग वहाँ हम स्पेशल चीज प्रोवाइड कराएंगे, अभी शुरुआत है, काफ़ी तैयारी के साथ आएंगे। और यहाँ पर आप लोगों को चूंकि संसाधन यहाँ पर अधिक हैं, अभी स्टूडियो वगैरह स्टार्ट हो जाएगा तो अनएकेडमी पे आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगेगा। ये भी आपका ही चैनल है, यहाँ पे हमने उनको पूरी तरह जो है दिया नहीं है, ये केवल कोलैब हुआ है, अन्य चैनलों की तरह नहीं है। यहाँ पर भी ऑनर मैं ही हूँ इस चैनल का भी। ठीक है ना, रिजल्ट रिजल्ट आपका आने वाला है, जो लोग यूपीपीसीएस 2018 का वेट कर रहे हैं रिजल्ट मंगवा रहे हैं, मंगवा रहे हैं रिजल्ट। 10 अध्यक्ष महोदय की चल पाती तो अब तक रिजल्ट आ चुका होता, सब कुछ आकर इंटरव्यू पर ही अटक रहा है कि इंटरव्यू कैसे कराएंगे। ये बड़ा मैटर है क्योंकि यूपीएससी ने अपना इंटरव्यू पोस्टपोन किया हुआ है, इंटरव्यू चल रहे थे यूपीएससी के, उसने पोस्टपोन किया हुआ है, तो ये यूपीएससी को कैसे आगे उससे बढ़ सकते हैं, उसने रोका हुआ ये अपना इंटरव्यू चालू कर देंगे, ऐसा कैसे हो सकता है। नहीं, इकोनॉमिक क्लास तो इसमें भी आई हुई है एक, और इस पे भी आएगा, लर्निंग ऐप पे भी आएगा, हर जगह मिलेगा आपको। लर्निंग ऐप पे प्लस कोर्स में कुछ प्लस चीज़ें मिलती हैं आपको, जो प्लस कोर्स आपसे अनएकेडमी वाले लेते हैं, कुछ धन वगैरह लेते हैं, उसमें देते भी हैं काफ़ी कुछ, पीडीएफ के साथ टेस्ट क्विज, 1-2 वर्ष तक आपको लगातार क्लासेस मिलती हैं, लाइव क्लासेस, तो ऐसी बात नहीं है, वहाँ पे आपको मिलता है काफ़ी कुछ थैंक यू आप सभी को। हम उसका नाम चेंज कर देंगे, टीसीएस जय हो ही कर देंगे, जय स्टडी का कैसा रहेगा, तब तो ठीक रहेगा ना, उसका नाम चेंज कर देते हैं। इकोनॉमी की पीडीएफ मैं ग्रुप में दे दे रहा हूं, ठीक है। इकोनॉमिक्स की पीडीएफ जो हमने पिछला क्लास दिया था उसकी पीडीएफ मैं ग्रुप में दे दे रहा हूँ, और बजट आर्थिक समीक्षा इसका मैं पीडीएफ वीडियो सब दे चुका हूँ। करंट अफेयर्स का रिवीजन वीडियो 1-2 दिन में मैं डाल दूंगा, जो रामायण वीडियो था उसमें कुछ ऐड करके, जो 1-2 महीने का करंट है उसको ऐड कर दूंगा, और रिवीजन वीडियो हो जाएगा आपके लिए, बेस्ट हो जाएगा, कोई भी परीक्षा आप दोगे सब में वो काम करेगा, सदाबहार एकदम। जय हो सभी को, जय हो और विजय हो, आप लोग जल्द जो है विजयी हो, परीक्षाओं परीक्षाएं जल्दी जल्दी हो और सफल हो आप सभी जो है, अच्छा लगेगा हमें भी। सिलेक्शन के बाद सब लोग भूल जाते हैं, बस यही है, काफी लोग सिलेक्ट हुए आरओ में हमारे ग्रुप से पिछले वर्ष, काफी खुशी हुई, लेकिन सब कहाँ चले गए पता नहीं, कोविड-19 लग रहा है, सब लॉकडाउन हो गए हैं। अच्छा ठीक है, कोप एजेंडा 21 और कोप रियो आदि पर कल मैं प्रियांशु जी से बोल दे रहा हूँ कि एक वीडियो बना देंगे, ठीक है, व्यापक वीडियो एजेंडा 21 कोप रियो पर एक बनवा देता है। मेंस भी निकलेगा आपका, मेंस भी निकलेगा, और आंसर राइटिंग करिए जितना हो सके, मेंस देने वाले जो हैं 2019 वाले आंसर राइटिंग करें, और अगर कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेश्चन वगैरह उनको चाहिए एक साथ किसी विषय का, तो 9453775039 ये आपकी सेवा में उपलब्ध नंबर है, संपर्क कर लीजिए, वहाँ से हम आपको उपलब्ध करा देंगे पीडीएफ, ठीक है। कुछ मॉडल आंसर्स आपको देंगे, उससे आपको पता चल जाएगा कैसे लिखना है,
और आप चाहें तो हमको इंडिविजुअली भेज सकते हैं आंसर्स लिख करके, क्वेश्चन आंसर लिख करके, तो हम रिमार्क दे देंगे आपको, उससे काफी आप लोगों को आइडिया हो जाएगा। ओके, तो अभी इतना ही करते हैं, अभी 10 बजे फिर क्लास है, आजकल गर्मी बहुत बढ़ गई है। महेश बनवाल की बुक जो नई वाली आई है वो ले लीजिए, बहुत अच्छी है, अपडेट कर दिया है सब कुछ उसमें, फर्स्ट क्लास बुक है। ठीक है, महेश बनवाल ले लीजिए। अभी मैंने देखी नई वाली पुस्तक जो आई है महेश जी की, वो काफी ज्यादा अपडेटेड है, पुरानी सारी चीजों को जो जितना विवादित था सब उन्होंने निकाल दिया है, तो अभी परफेक्ट बुक है। परीक्षा वाणी में बहुत ज्यादा फैक्ट दिया है, इतना फैक्ट अगर आप पढ़ सकते हैं तो सही है, लेकिन अब फैक्ट इतने फैक्ट की आवश्यकता है नहीं, इतना फैक्ट आपको लूसेंट में मिल जाता है, जौहरी फैक्ट्स। तो आप महेश बनवा लीजिए, प्रीलिम्स मेंस दोनों के लिए बढ़िया है। हाँ एकदम नया एडिशन जो 2020 वाला आया है, आई थिंक मार्च के आस, लॉकडाउन के जस्ट पहले आ गया था, वो आप ले लें मार्केट में अगर मिले तो। दुकान आधा खोले रहते हैं आप लोग, कटरा वगैरह में अगर जाएं तो सब राह देखते रहते हैं कोई पुस्तक वगैरह ले, अभी तो शायद पूरा ओपन हो गया है, वो पूरा ओपन हो गया, आप जाकर ले सकते हैं किताब। कुछ दिन पहले आधी दुकान खोले रहते थे तो कोई जाता था तो पुस्तक वगैरह लेने, छानबीन करके, पुलिस वाले नहीं हैं तो देते थे। नहीं, वो आप जो कह रहे हैं ज्ञानचंद्र यादव जी की, वो पुस्तक में बहुत गलतियां हैं, वो मत लीजिएगा। मैंने कभी रिकमेंड किया था उस पुस्तक को, लेकिन उसमें गलतियां बहुत हैं तो वो मत लीजिएगा। अच्छी पुस्तक उन्होंने लिखी है लेकिन काफी गलतियां हैं, लेकिन कोई गलत चीज आप पढ़ लेंगे जाके एग्जाम में गलत करके चले आएंगे। ठीक है दोस्तों, आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं, काफी अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। कल से परीक्षा खबरी सुबह ही आएगा, आज शाम को मैंने दे दिया था क्योंकि 14 दिन का एक साथ देना था। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आवाज आ रही है दोस्तों, जो ऑनलाइन हो थोड़ा सा एक बार हेलो बोल दे। आवाज आ रही है दोस्तों, यस यस यस, रिफ्लेक्ट हुआ अभी। ठीक है, थैंक यू। तो नमस्कार, लेट्स क्रैक यूपी एग्जाम्स में आपका स्वागत है। हम विज्ञान प्रौद्योगिकी का देख रहा था और हम लोग जो है आगे बढ़ेंगे, पर्यावरण पारिस्थितिकी कल से शुरू करेंगे। ठीक है, तो आप लोग अगर पहले से पढ़े रहेंगे, मैं आपको टॉपिक बता दूंगा कि कल किस टॉपिक पे आपको हम क्वेश्चन कराएंगे, इससे ज्यादा आसानी होगी। ठीक है, इस तरह से करेंगे तो आप पहले से यदि पढ़े रहेंगे टॉपिक को तो क्वेश्चंस आप पुटअप जल्दी करने में आसानी होगी, आपको आपको आंसर देने में आसानी होगी। ठीक है ना, तो कल से शुरू करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। साइंस टेक का अभी आज से रोक करके, आज लास्ट करवा करके, इसके बाद इन्वायरमेंट इकोलॉजी, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है वो क्वेश्चन पे आएंगे। तो आपके सामने पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ये विभिन्न
आपको दिए हैं ऑप्शंस ए बी सी डी, और उनसे संबंधित जो वैज्ञानिक है उनका नाम दिया हुआ है, तो कौन सुमेलित नहीं है, आंसर आप दीजिए। आप आंसर अपना दे दीजिए, जो जल्दी देगा और जो सबसे पहले देगा उसका नाम मैं यहां से अनाउंस करूंगा। आई थिंक अभी काफी लोग डी, बिल्कुल सही है, ठीक है। शैलेंद्र पांडे जी ने आंसर दिया है डी, एनरिको फर्मी जो है ये परा यूरेनियम तत्वों के संश्लेषण से संबंधित नहीं है। एनरिको फर्मी ने दो काम किए थे, बड़े काम किए थे, याद रखिएगा। फर्मी का नाम जुड़ा हुआ है न्यूट्रॉन की बमबारी करके, जो नाभिक है उनको तोड़कर छोटे नाभिकों में बदलने का, तो एक प्रकार से रूपांतरण का जो खोज की थी इन्होंने ही की थी, और इसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। नोबेल पुरस्कार मिलने के बाद जो इन्होंने बड़ी खोज की वो की परमाणु रिएक्टर की, परमाणु भट्टी जो आप सुनते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर, वो एनरिको फर्मी की ही देन है। ओके, तो ये दो खोजें की थी उन्होंने, परा यूरेनियम तत्वों की खोज इन्होंने, मतलब संश्लेषण इन्होंने नहीं किया था। ओके, इसका संश्लेषण जीटी सिरबोग ने किया था, जीटी सिरबोग ने। बाकी मेसान की खोज हिडेकी युकावा सही है, पॉजिट्रॉन की खोज सीडी एंडरसन एवं यूएफ हेस ये सही है। सूर्य तथा तारों में ऊर्जा उत्पादन का सिद्धांत एच ए बेथे ने, तो ये तीनों सही है। परा यूरेनियम तत्वों का संश्लेषण किसने किया था, जीटी सिरबोग ने। नेक्स्ट, यूरेनियम के रेडियो धर्मी विघटन का अंतिम उत्पाद क्या है, अर्थात यूरेनियम जो कि सबसे ज्यादा अस्थायी माना जाता है और सबसे ज्यादा भारी जो है रेडियो एक्टिव पदार्थ है, इसका जब विघटन होता है तो अंत में क्या बनता है, सीसा रेडियम थोरियम या प्लूटोनियम। तो इस ऑप्शन अभी तक किसी ने सही उत्तर नहीं दिया है इसका, 10 सेकेंड हम वेट करेंगे। हाँ ए सही है, ठीक है, आराधना जी ने सही आंसर दिया है इसका, ए सही है, सीसा लेड जो है अंतिम उत्पाद होता है यूरेनियम के रेडियो एक्टिव विघटन का, जो अंतिम उत्पाद होता है वो लेड होता है। नेक्स्ट, अच्छा ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण स्थापित किया गया, अच्छा जैविक विविधता अधिनियम कब पारित हुआ आपको पता है, कोई बता सकता है? ऑप्शन आपके सामने है 2001, 2002, 2003 और 2000, इसमें से कब ये पारित हुआ था भारत राष्ट्रीय जैविक विविधता अधिनियम जो है। चेन्नई आंसर है इसका, और किसने आंसर दिया है, बहुत सारे लोगों ने सही आंसर दे दिया है इसका, ठीक है ना, 2002 में, बिल्कुल सही है, राहुल यादव ने बताया है 2002, बिल्कुल सही, 2002 में वो पारित हुआ था जैविक विविधता संरक्षण अधिनियम 2002, और ये आता भी है एग्जाम में आपके, मिलान करने के लिए बहुत आता है। ओके, तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, वन अधिनियम 1980 और जैव विविधता संरक्षण अधिनियम ये 2002, इसी के अंतर्गत चेन्नई में भारतीय राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का की स्थापना हुई थी 2003 में, कहां, चेन्नई में। इसका उत्तर ए होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट, जलीय फर्न जिसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, आज लग रहा है ये सब क्वेश्चंस तो आए हुए प्रश्न है, लेकिन अच्छा है आप इसको सॉल्व करें, एग्जाम में फिर से पूछा जा सकता है। जलीय फर्न जिसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है वह कौन सा है, इसका आंसर आयोग ने पहले गलत दिया था, बाद में चेंज कर दिया था, तो जो लोग वो एग्जाम दिए होंगे उनको याद होगा, ठीक है, एजोला है आंसर इसका, ठीक है।
हाँ, सबने सही आंसर दिया है। हरिओम गंगवार जी ने सबसे पहले आंसर दिया है इसका, बी एजोला इसका उत्तर होगा, ठीक है ना। एजोला साइनोबैक्टीरिया इसका इसके साथ ही रहता है, सहजीवी होता है साइनोबैक्टीरिया। और ये एजोला में जो उपस्थित जो होते हैं, इसकी जो सबसे बड़ी खासियत है कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है, ठीक है, मृदा की उर्वरता भी ये बढ़ाता है, तो अच्छा जैव उर्वरक माना जाता है, खेती में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये भी बहुत बढ़िया प्रश्न है, गेहूं में बौनेपन की प्रजाति कौन सी है। देखिए ये तीनों ऑप्शन जो दिए हैं ए बी सी, ये तीनों ही बौनेपन की प्रजातियां हैं, लेकिन इसमें आपको बताना है गेहूं में बौनेपन की जो है प्रजाति कौन सी है। गेहूं में बौनेपन की प्रजाति, सुधीर श्रीवास्तव जी ने सही आंसर दिया इसका, जो नोरिन टेन है ये गेहूं में बौनेपन की प्रजाति है। डी जी वू जेन जो है ये धान में बौनेपन की प्रजाति है, धान की। और ओपेक टू ये मक्के के बौनेपन की प्रजाति है, ठीक है। एक बार फिर बोलता हूं, नोरिन टेन गेहूं में बौनेपन की प्रजाति है, डी जी वू जेन ये धान में है, और ओपेक टू ये मक्के में बौनेपन की प्रजाति है। इसका जो उत्तर होगा ए होगा, नोरिन टेन। संतरे के छिलके को निचोड़ने पर निकलने वाले ज्वलनशील रस में मौजूद रासायनिक तत्व कौन सा है। अब इसका आंसर आप दें, शिक्षा त्रिपाठी जी ने आंसर दिया इसका, एकदम राइट आंसर है, लिमोनिन है, ठीक है ना। लिमोनिन का प्रयोग जो आपके प्रसाधन उद्योग हैं उसमें बहुत ज्यादा होता है, परफ्यूम में और दवाइयों में भी इसका प्रयोग होता है। ये जल में अघुलनशील होता है, लेकिन प्रयोग इसका बहुत ज्यादा होता है, एक सैनिटाइजर में भी इसका बहुत ज्यादा प्रयोग होता है लिमोनिन का। तो संतरे के छिलके को निचोड़ने पर, तो जो ज्वलनशील अक्सर बचपन में आप लोग एक दूसरे की आंख में झोंकते थे, वो तो लिमोनिन होता है वो, जो कि जलता है आंख में जाने के बाद, लिमोनिन, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, स्टेटमेंट है तीन दिए हैं, इनमें से सही उत्तर का चयन करना है आपको। हीरा काला शीशा कहलाता है, हीरा में कार्बन होता है, और इस्पात हीरे से अधिक कठोर होता है। ये तीन स्टेटमेंट हैं और आपके ऑप्शन हैं ये, तो आपको बताना है कौन सा सही है, ए बी सी या डी। बहुत लोगों ने, अच्छा हो सकता है कि आपने दिया हो, लेकिन दिखा जिसका उसका मैंने नाम भूल रहा। अच्छा ठीक है, इस बार आर्यन जी ने सबसे पहले आंसर दिया है, आर्यन यादव ने, बी इसका उत्तर है, हीरा में कार्बन होता है। कार्बन का ये सबसे कठोर रूप होता है हीरा, ठीक। ये दूसरा सही है, लेकिन हीरा काला शीशा नहीं कहलाता है, काला शीशा ग्रेफाइट कहलाता है, वो भी कार्बन का एक रूप है, ग्रेफाइट भी, उसको काला शीशा कहते हैं। और इस्पात हीरे से अधिक कठोर नहीं होता, हीरा सबसे कठोर होता है। तो इसमें जो है केवल दूसरा सही है, बी आंसर इज राइट। कोयला खानों में विस्फोट के लिए मुख्यतः उत्तरदायी गैस कौन सी है, तो ये तो आपको पता ही होगा, मार्श गैस। तो मार्श गैस किसे कहते हैं, कोयला खानों में विस्फोट के लिए मुख्यतः उत्तरदायी गैस मार्श गैस है ना, तो मार्श गैस किसे कहते हैं, ये तो क्वेश्चन कराया हुआ है कई बार, आपको ये तो आना चाहिए।
ठीक है, सबका उत्तर सही है और होना भी चाहिए। कभी कभी बहुत सरल टेस्ट ले लेने चाहिए, है ना? तो आज सिंपल वाला है पूरा आया हुआ। सबसे पहले आंसर दिया है यामिनी जी ने, यामिनी राज ने। ठीक, तो मीथेन जो है ये मार्श गैस है। मीथेन के स्रोत हमेशा याद रखिए, धान के खेत, पशु जो जुगाली करते हैं, ठीक है ना, ये सब महत्वपूर्ण स्रोत हैं जहां से मीथेन निकलती है। इवन जो धान के खेत हैं, भारत में सबसे ज्यादा मीथेन का जो स्रोत है धान के खेत ही है, क्योंकि धान की खेती बहुत ज्यादा होती है तो मीथेन सबसे ज्यादा यहीं से निकलती है। आपको बता दूं कि मीथेन एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रीन हाउस गैस है। इसकी जो क्षमता है ग्रीन हाउस गैस अर्थात गर्मी उत्सर्जन करने की, वो कार्बन डाइऑक्साइड से ज्यादा है। क्षमता ज्यादा है लेकिन भूमिका कम है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कहीं ज्यादा है मीथेन की तुलना में। तो मीथेन के स्रोत अक्सर पूछता है, इसको आप याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट, इसका जो उत्तर होगा डी, एसिटिलीन गैस का प्रयोग जो है फलों को पकाने के लिए किया जाता है। अब सुमेलित कौन सा है ये आपको बताना है, कौन कौन सा सुमेलित है। अच्छा, मल्टीपल चॉइस है तो पहले देख लीजिए, एक से अधिक सुमेलित होंगे इसलिए मल्टीपल चॉइस दिया है। तो ये ऑप्शन है आपके, ये क्वेश्चन है और ये ऑप्शन है, ठीक है, आप चुन लीजिए आंसर। एक बार फिर मैं दिखा दे रहा हूं, इसका उत्तर अभी तक तो बायोगैस ये जो है गोबर से निकलती है ना, तो ये तो सुमेलित नहीं है। डीडीटी कीटनाशी है, तो ये दोनों सुमेलित नहीं, बाकी दोनों सुमेलित हैं। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ हृदय विकार के लिए, निकोटीन तंबाकू में उपस्थित रहता है। तो 2 और 4 अर्थात डी इसका ऑप्शन सही है। ठीक है, सबसे पहले आंसर किसने, सबने डी दिया है, इसलिए देख, इसलिए पहचानने मुश्किल हो रहा है। 2 एंड 4, आदेश राणा जी हैं, इन्होंने सबसे पहले उत्तर दिया है इसका। ठीक है, नेक्स्ट, वो टाइमर पे आ जाता है जो जिसका सबसे पहले, आपको लगता है कि आपने सबसे पहले दिया है लेकिन टाइमर पे यहां पर दिख जाता है किसने सबसे पहले दिया है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो आपको बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। ये तो आसान प्रश्न है, इजी है। ठीक है, राहुल यादव, इन्होंने सही आंसर दिया है इसका सबसे पहले। क्लोरोफिल मैग्नीशियम इसमें उपस्थित होता है, हीमोग्लोबिन में आयरन होता है प्रमुख तत्व, खाने के सोडा में सोडियम होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट उसको कहते हैं, और कपड़ा धोने का सोडा जो होता है सोडियम कार्बोनेट होता है, सोडियम उसमें भी होता है, पोटेशियम नहीं। ठीक, तो डी इसका उत्तर है। नेक्स्ट, इंसुलिन क्या होता है, इसमें से स्टेरॉइड होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है या वसा होता है। हरिओम गंगवार का आंसर सबसे पहले आया है, प्रोटीन होता है। ठीक है, इंसुलिन कहां से निकलता है, अग्न्याशय से, ठीक है, पैंक्रियाज से। पैंक्रियाज एकमात्र ऐसा ऐसी ग्रंथि है जो कि अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों है, और इंसुलिन उसके अंतःस्रावी वाले भाग से जो लैंगर हैंस की दीपिका है बीटा कोशिका से उसमें से निकलती है इंसुलिन। इंसुलिन की यदि कमी हो जाए तो उससे क्या होता है, इंसुलिन हार्मोन की अगर कमी हो जाए तो उसी से सुगर अर्थात मधुमेह रोग हो जाता है।
तो इसका जो ऑप्शन होगा सही सी होगा, प्रोटीन। हार्मोन और एंजाइम्स ये प्रोटीन होते हैं, ये आप अपने याद रखिएगा तो कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। मूलतः ये प्रोटीन होते हैं, और इंसुलिन एक पेप्टाइड प्रोटीन है। ये भी पूछा जाता है कि इंसुलिन कैसा प्रोटीन है, तो पेप्टाइड प्रोटीन है। शिफ्ट स्लाइड टू योर राइट साइड। आपको स्लाइड नहीं दिख रही है क्या? आप और भी लोग अगर ऐसे हैं जिनको स्लाइड नहीं दिख रही है तो हमको बताएं। अच्छा, क्वेश्चन सही से नहीं शो हो रहा है, ऐसा है क्या? मेंस 18 का अपडेट अभी कुछ मिल नहीं पाया है, क्योंकि अध्यक्ष महोदय ने ये इंटरव्यू में कहा था कि मई से हम रिजल्ट देना प्रारंभ कर देंगे, लेकिन शायद उसके बाद ही लॉकडाउन की अवधि बढ़ गई, 3 मई से 17 मई हो गई, इसीलिए कुछ निर्णय हो नहीं पाया। अब ये सब यूपीएससी को फॉलो करेंगे। यूपीएससी 20 मई को बोला है ना, 20 मई के बाद हम विश्लेषण करेंगे स्थिति का और उसके बाद कुछ करेंगे। तो यूपीपीएससी नहीं, जितने भी लोक सेवा आयोग हैं, जो राज्य लोक सेवा आयोग हैं, वो फॉलो करेंगे संघ लोक सेवा आयोग को, ऐसा समझ में आ रहा है जैसा कि खबर मिल रही है। लेकिन फिर भी कोई अपडेट मिलेगी तो देंगे, अभी अपडेट कोई मिल नहीं रही। इवन आयोग वाले भी कुछ बताने में असमर्थ हैं इस समय, जो आयोग में वर्क करते हैं ढेर सारे लोग इलाहाबाद में। अच्छा, क्वेश्चन नंबर नहीं शो हो रहा है। ओके ओके ओके, ये नंबर दिया नहीं, जिसने क्वेश्चन दिया है बना करके तो उसने लग रहा है कि इसको कहीं से कट पेस्ट करके दिया है, इसलिए ये नंबर शो नहीं हो रहा है। ठीक है, क्वेश्चन आपको शो हो रहा है ना, मेन बात है क्वेश्चन शो होना चाहिए। अच्छा, मैं एक बार राइट करके देखता हूँ। नहीं, ये लास्ट है, ठीक है ना, ये इधर ये कटा हुआ क्वेश्चन है, कहीं कई जगह से उठाया हुआ क्वेश्चन है, तो आई थिंक उन्होंने जब पिक ली होगी तो इसी तरह ली होगी। ओके, कल से मैं उनसे बोल दूंगा कि इसको जो है शिफ्ट, मतलब क्वेश्चन सही दिया करें। अच्छा, ठीक है, थैंक यू फॉर फीडबैक। अच्छा किया बता दिया, कल मैं उनको बोल दूंगा कि कुछ भी कटा पटा मत दें, एकदम साफ साफ दिखना चाहिए। ओके ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने देखा अभी वो मुझसे हो नहीं रहा है, वो ऐसा ही दिया हुआ है। ये देखिए यहां भी, क्या ये दिख रहा है पूरा आप लोगों को? ये तो दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर नहीं है इसमें लेकिन क्वेश्चन तो दिख रहा होगा। कोई बोल दे एक बार यस, हाँ दिख रहा है। ठीक है, ठीक है, दिनेश कुमार जी सही आंसर आपने दिया है, बर्ड फ्लू। ठीक है, स्वाइन फ्लू क्या होता है? H1N1 होता है। ठीक है, पक्षी होता है ना, प से पक्षी याद रखिएगा, और 5 से 5 से, उसमें भी पहला अक्षर प है और उसमें भी पक्षी में पहला अक्षर प है, तो इस ढंग से याद रखें तो याद रहेगा। काफी लोगों का गलत हो गया था कई बार, इसलिए इस क्वेश्चन को शामिल किया गया है कि बर्ड फ्लू और स्वाइन फ्लू में अंतर केवल H में होता है, H5 होता है, उसमें H1 होता है। अभी हाल ही में आप बता सकते हैं किस राज्य में अफ्रीकी स्वाइन फ्लू आया है? वो पहला मामला है भारत में अफ्रीकी स्वाइन फ्लू का, किस राज्य में? मैंने सुबह वाले वीडियो में बताया था इसके बारे में। किस राज्य में आया? हाँ, असम में, बिल्कुल सही है, असम में आया। हाँ, ये स्लाइड वाली प्रॉब्लम मैं देख रहा हूं, इसको मैं कल से
मध्य में ले आने का प्रयास करूंगा, उनसे बोल दूंगा मध्य में रहे, ठीक है। हाँ, तो ये सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दिया हुआ है, सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। ये आपका ऑप्शन है और कूट मैं आपको नीचे दिखा दे रहा हूं। बताइए कौन सा उत्तर सही होगा। चलिए डिस्कस करते हैं फिर आपके उत्तर देखते हैं, ठीक है ना। तो प्लेग जो है ये पिस्सुओं को काटने से फैलता है, पिस्सुओं के काटने से प्लेग, ठीक है। फाइलेरिया ये मच्छरों से होता है, बेरी बेरी विटामिन बी की कमी से होता है, और टाइफाइड आंतों को प्रभावित करता है। तो इसका जो सही क्रम होगा, किसने दिया आंसर सही क्रम का, कहां गया, हो गया 1 सेकेंड। दिनेश जी ने दिया है सबसे पहले आंसर इसका, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, प्लेग का 3, मतलब ए का 3 बी, सॉरी ए का ये 2, बी का 3, सी का 4 और टाइफाइड अर्थात 1। तो ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा डी, ठीक है। तो दिनेश जी ने इसका सही आंसर किया है, 2 3 4 1, डी इसका उत्तर होगा सही। ये बहुत बढ़िया प्रश्न है। निम्न में से कोल्ड ब्लड एनिमल कौन से हैं, और ऑप्शन रहे आपके नीचे। आपको पता है कोल्ड ब्लड, और एक कोल्ड ब्लड एनिमल होते हैं जिनको कि असमतापी जीव कहते हैं, और दूसरे कौन होते हैं, समतापी होते हैं। तो इसमें से आपको बताना है कोल्ड ब्लड या असमतापी, अगर आपने असमतापी पढ़ा हो इसलिए मैंने आपको बता दिया कि असमतापी कौन से हैं इसमें से एनिमल्स। ये आंसर सबसे पहले किसने दिया है, आदित्य सिंह, इनका बिल्कुल सही है, ठीक है। ये उत्तर सही है, 1 2 3, सर्प छिपकली और मछली जो स्तनपायी होते हैं मैक्सिमम वो, या आप लगभग सभी स्तनपायी जो होते हैं वो कोल्ड ब्लड नहीं होते, वो समतापी होते हैं, ठीक है, हार्ड ब्लड एनिमल होते हैं वो। अब दोनों में अंतर अगर समझना हो तो असमतापी मतलब असमान, अर्थात जो टेम्परेचर के साथ अपना जो समन्वय है स्थापित नहीं कर पाते हैं। जैसे हम लोग हैं, इंसान है, मनुष्य है, आपका जो ताप है कितने भी आप ठंडी में चले जाएं गर्मी में चले जाएं, लेकिन आपके शरीर का ताप बरकरार रखने की क्षमता होती है आप में, ये हॉट ब्लड एनिमल्स की ये खूबी होती है। लेकिन कोल्ड ब्लड एनिमल ऐसा नहीं कर पाते हैं, इसीलिए वो हाइबरनेशन जिसको बोलते हैं आप, शीत निष्क्रियता या ग्रीष्म निष्क्रियता, उसमें वो चले जाते हैं। तो वो कोल्ड ब्लड एनिमल होते हैं, ओके, असमतापी होते हैं। ठीक है, तो इसका उत्तर जो हो जाएगा, जिसको न समझ में आया हो वो पूछ सकता है, या कोई डाउट हो पूछ सकता है। दोनों चीजों में अंतर आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल प्रश्न आएगा तो आपसे हो नहीं पाएगा फिर। तो इसका जो है 1 2 और 3, गाय स्तनपायी है, इसका ये कोल्ड ब्लड नहीं होता, ये हॉट ब्लड एनिमल होता है। चलिए अगला है, नेत्रदान में दाता की आंख के किस हिस्से को प्रत्यारोपित किया जाता है। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है,
अभी आंसर ठीक है, सबसे पहले ठीक है, राहुल यादव का सबसे पहले आंसर आया है, कार्निया होगा, ठीक है, डी। कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है, लेकिन फिर भी गलत करके लोग चले आते हैं, इसलिए कभी-कभी आए हुए प्रश्नों को पूछना भी महत्वपूर्ण हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ये आरओ यारओ के 2017 वाले पेपर में शायद आया था, मेंस का पेपर था या प्री का, प्रीलिम्स का था, 2017 आरओ यारओ का, उसमें यह प्रश्न पूछा गया था। तो इसका जो उत्तर है क्या हो जाएगा अभी, उस इसका उत्तर दीजिए। सुमेलित नहीं है पूछ रहा है, ये ध्यान से पढ़ा करिए प्रश्न, ये सी किसने दिया है, काइंडनेस, ठीक है, एकदम सही आपका उत्तर है। आर्किड ये अधिपादप है, चंदन जड़ परजीवी है, घटपर्णी ये जो अम्लीय मृदा है वहां पर उगता है, ठीक है। नाइट्रोजन की कमी के कारण इसमें नाइट्रोजन की परिपूर्ति करने के लिए कीटों का भक्षण करता है, एक कीट भक्षी पौधा है घटपर्णी, ओके। तो जलोद्भिद नहीं है, और अमरबेल तना परजीवी है, अमरबेल अक्सर आप गांव में देखते होंगे पेड़ों पे, जो है पीले 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 कलर का रहता है पूरा, रस्सी की तरह, ठीक है, धागे की तरह, सॉरी, अमरबेल, तो वो तना परजीवी है। इसका जो उत्तर होगा सी, घटपर्णी जलोद्भिद नहीं है, अम्लीय मृदा में उगता है ये। तो सबसे पहले जो उत्तर दिया था मैंने, आपका नाम बोला, मैं भूल रहा हूं, काइंडनेस सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन अनाजों को गरीबों व जानवरों का भोजन कहा जाता है? इसमें से कौन कौन से अनाज हैं जिनको गरीबों व जानवरों का भोजन कहा जाता है? मक्का, रागी, ज्वार, ऑप्शंस। उत्तर अपना दे लें आप लोग, मक्का, रागी, ज्वार, गरीबों व जानवरों का भोजन इनमें से कौन से हैं? सचिन कुमार, सचिन कुमार का आंसर सबसे पहले आया है, डी इसका उत्तर है, ये तीनों ही गरीबों व जानवरों के भोजन कहे जाते हैं। इसको अक्सर आप देखेंगे जहां पर बहुत ज्यादा धान गेहूं आदि होते हैं, दालें होती हैं, वहां पर इनको जानवरों के चारे के रूप में प्रयोग किया जाता है, मक्का, रागी और ज्वार को, तो डी इसका उत्तर है। और जहां मजबूरी रहती है, जैसे रेगिस्तानी जहां पर प्रदेश है, वहां पे लोग मक्का, रागी, ज्वार का उपयोग भोजन में ज्यादा करते हैं, इसीलिए इसको गरीबों और जानवरों का भोजन कहा जाता है। शैवाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इस शैवाल के बारे में तीन कथन हैं, आपको बताना है कौन सा या कौन से सही है। तो कथन पढ़ लीजिए, ये केवल एक कोशिकीय होते हैं। देखिए, जहां पर केवल लग जाए वहां पर आपको बहुत विचार करके क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, क्योंकि अक्सर 80, मैं आपको बता दूं अभी कि लगभग 80% ऐसे सवाल जहां केवल शब्द जुड़ जाता है, वो अपने आप जो है वो स्टेटमेंट गलत हो जाता है। तो बहुत बारीक से आप, ऐसा नहीं है कि आपको सभी प्रश्न केवल वाले गलत मिलेंगे, सभी तथ्य गलत मिलेंगे, ऐसा नहीं होता है। कभी कभी धोखा खा जाता है व्यक्ति ये सोच कर कि अरे केवल दिया है तो गलत ही होगा, लेकिन बाद में वो सही निकलता है। लेकिन विचारणी होते हैं ऐसे प्रश्न, ऐसे तथ्यों को हल करने के पहले थोड़ा सोचिए। ये केवल एक कोशिकीय होते हैं, दूसरा है ये स्वपोषी होते हैं, तीसरा है ये नाइट्रोजन को स्थिर कर मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हैं, अर्थात नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं। आपके ऑप्शन रहे नीचे, आप बताएं इसका उत्तर। सी किसने दिया सबसे पहले, सी,
यामिनी राज का सबसे पहले उत्तर आया है सी, और यही सही है। दूसरा और तीसरा, ठीक है ना, ये केवल एक कोशिकीय होते हैं, ये गलत है। ये बहुकोशिकीय भी होते हैं, शैवाल बहुकोशिकीय भी होते हैं। बहुत सारे लोगों का आंसर जो है सही आया है, मैक्सिमम 90% लोगों ने सही आंसर दिया है इसका। इसका मतलब आप पढ़ाई करते हैं। बहुत अच्छा लगा आज का जो विशेष कर रहा ये लाइव सेशन, बहुत अच्छा रहा। आपने से काफी लोग सम्मिलित हुए और काफी लोगों ने आंसर इसका बहुत सही दिया है। मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी याद आ गया कि कल मैं अर्थव्यवस्था का वीडियो दूंगा, मतलब इकोनॉमी का वीडियो आएगा, इंडियन इकोनॉमी का पहला वीडियो। तीन वीडियो दूंगा, वो उसमें करंट अफेयर्स लेकर स्टैटिक पोर्शन सब रहेगा, तीन वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। वो दिन में किसी समय आएगा, आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। जो लोग ग्रुप में हैं उनको ग्रुप में मैं शेयर कर दूंगा, तो वो वीडियोस आप देख लीजिए। क्योंकि इकोनॉमी को हम एमसीक्यू अभी नहीं ले आ पाए हैं, तो जब तक इंतजार करिए तब तक इकोनॉमी आप कंप्लीट कर लीजिए पूरा। इसके लिए मैंने तीन वीडियोस बना लिए हैं, एक वीडियो आज नहीं आ पाया देरी के कारण, वो कल आ जाएगा, और बाकी के दो वीडियोस भी एक एक दिन के अंतराल में मैं दे दूंगा। तो इकोनॉमी वाला वीडियो आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो इसका जो है दूसरा और तीसरा होगा। आंशिक स्तंभ परजीवी पौधे हैं, इनमें से कौन आंशिक स्तंभ परजीवी पौधे हैं? नहीं, लाइव नहीं आएंगे क्योंकि वीडियो इकोनॉमी के बहुत लंबे रहेंगे, और एमसीक्यू ही लाइव करना अच्छा रहता है। बाकी के जो स्टैटिक पोर्शन, उसमें लाइव क्या करना है ना, तो लंबे वीडियोस लगभग 1-1.5 घंटे के वीडियोस रहेंगे। कल वाला लंबा रहेगा, बाकी के आधे आधे घंटे के रहेंगे। तो टोटल 3 या 4 घंटे का पूरा कोर्स है इकोनॉमी का, उसमें कंप्लीट हो जाएगा, कुछ अन्यत्र करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, डी, उपरोक्त सभी। शर्मा जी ने आंसर दिया है इसका, एकदम राइट आंसर दिया है, डी, विस्कम मिसलेटा और लोरेंथस। ये पूछा गया प्रश्न है, विस्कम और मिसलेटा और लोरेंथस। लोरेंथस काफी प्रसिद्ध है, ये आम का स्तंभ पर जीवी, आम के ऊपर ये लगता है लोरेंथस, इसलिए इसके बारे में अलग से भी पूछा गया है प्रश्न, ठीक है ना। परजीवी, अधिपादप, ये सब आपको याद रखना है, ठीक है। स्तंभ परजीवी, जड़ परजीवी, ये सब प्रश्न पूछे जाते हैं। विशेषकर आप आरओ आरओ का एग्जाम, बीईओ का एग्जाम देंगे तो यहां आप देखेंगे, यहां से 1-2 प्रश्न आएंगे। ठीक है, क्वेश्चन आप लोगों को आधा दिख रहा है, कल ये प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर दूंगा। ये पीडीएफ बनाने वाले दिक्कत हुई है, मैंने अभी डिस्कस किया था, कल से ये प्रॉब्लम नहीं आएगी लाइव में। ओके, ये कल आप लोगों को बताना चाहिए था, तो मैं आज सही सही कर देता। इस प्रॉब्लम के बारे में अभी मुझे पता चला कि आप लोगों को आधा ही दिख रहा है, जो कि उचित नहीं है। ठीक है, बॉटनी क्वेश्चन करा देंगे। और आपको मैं ये भी बताना चाहता हूं, किसने पूछा, अभिषेक पांडे जी ने, कि एक परसों ही मैंने एक वीडियो दिया था विज्ञान का, वो फुल है पूरा। उससे बाहर एक क्वेश्चन आपका, अगर यूपीपीसीएस या उत्तर प्रदेश की जितनी परीक्षाएं हैं उसमें, उससे बाहर बहुत कम संभावना आने की। वो संक्षिप्त है, 3-2.5 घंटे या 2 घंटे 45 मिनट समथिंग का वीडियो है। उसमें पूरा भौतिक विज्ञान, पूरा रसायन विज्ञान, पूरा जीव विज्ञान है, तो वो आप लोग अवश्य देख लें। ठीक है, तो आंशिक स्तंभ परजीवी आपने। अगला प्रश्न है, शाही जेली का श्रावण मैक्सिलरी ग्रंथियों से किस मधुमक्खी में होता है? शाही जेली बहुत प्रसिद्ध है, शाही जेली का श्रावण मैक्सिलरी ग्रंथियों से किस मधुमक्खी से होता है? कौन सी मक्खी, मधुमक्खी शाही जेली का श्रावण करती है?
अभी तक आंसर सही किसी का नहीं आया हुआ है, नहीं आया है। आदेश राणा का आंसर सही है, सी इसका उत्तर होगा, श्रमिक मक्खी। ठीक है, श्रमिक मधुमक्खी जो है इससे शाही जेली का श्रवण होता है, उसकी मैक्सिलरी ग्रंथियों से। ये भी आया हुआ प्रश्न है, याद रखिएगा, श्रमिक मक्खी निकालती है शाही जेली को। हीमोफीलिया रोग सामान्यतः पाया जाता है, किसमें पाया जाता है रोग हीमोफीलिया का? आंसर आप लोगों के, हीमोफीलिया का रोग किसमें पाया जाता है? गणेश कुमार का आंसर आया है, राइट आंसर है, पुरुषों में पाया जाता है, महिलाएं इसकी वाहक होती हैं। ठीक है, ये एक आनुवंशिक विकार है पहली बात, और इसमें क्या होता है, इस विकार में रक्त का थक्का नहीं जमता है, अर्थात जब चोट वगैरह लग जाती है तो रक्त का श्रावण होता रहता है, और इसीलिए गंभीर चोट होने पर मृत्यु हो जाती है रक्त के बहुत ज्यादा बहने के कारण हीमोफीलिया रोग में। तो आज के लिए इतना ही था। आप लोगों को यदि सब्सक्रिप्शन वगैरह लेना हो तो अनएकेडमी पे ढेर सारे कोर्सेज चलते हैं, आपको हमने कई बार बताया भी है, काफी लोग ले भी चुके हैं, 2-3 दिन में काफी एडमिशन्स हुए हैं सब्सक्रिप्शन के थ्रू अनएकेडमी में, उन सबका अनुभव भी, फीडबैक भी काफी अच्छा आ रहा है, लाइव क्लास वगैरह चलती है। और सबसे बड़ी बात है कि सब्सक्रिप्शन लेने से बिल्कुल ललित जी सही कह रहे हैं आप एक प्रकार से, तो अनएकेडमी लर्निंग ऐप है, इसमें कोई टॉपिक वगैरह जैसे आपको ढूंढना है, किसी कोई वीडियो देखनी है किसी भी टॉपिक पे, तो इस ऐप पे जाकर आपको सर्च कर देना है, उस पे स्पेसिफिक वीडियो या कोई स्पेसिफिक आपको कोर्स देखना है तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा इजीली, आप चला करके, जैसे यूट्यूब में वीडियोस हैं वैसे वहां पे वीडियोस पड़े हुए हैं, चलाकर देख सकते हैं। ठीक है, और पीडीएफ वगैरह सब अगर जो आप चाहेंगे वहां अगर सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो पीडीएफ टेस्ट, डाउट क्लियरिंग सेशन और लाइव क्लासेस, जो टाइमिंग फिक्स होगी उस फिक्स टाइम में आपको लाइव क्लासेस वगैरह मिलेंगी, ढेर सारी सुविधाएं आप जाकर देख सकते हैं। ठीक, सब्सक्रिप्शन चार्जेस हैं उनको आप अदा करके लाभ ले सकते हैं कोर्सेस का। ये क्लास 8 बजे से होती है, जो मेरी ये क्लास है लाइव वाली, ये 8 बजे होती है। ठीक है, आप लोग वहां अनएकेडमी ऐप पे जाकर चेक कर सकते हैं, अगर आपको लाइव क्लास लेनी है वहां पे, कोई भी कोर्स ज्वाइन करना है तो फुल वहां पर इंफॉर्मेशन है, आप ले सकते हैं। तो आज का सेशन क्लोज करें, कि आपके कोई प्रश्न है? आपके कोई प्रश्न हैं या फिर अब छोड़ें यहां पे? इन्वायरमेंट कल से स्टार्ट कर देंगे, वो बहुत दिन से सोच रहे थे साइंस टेक को ब्रेक करके अब इन्वायरमेंट को स्टार्ट करना है, कल से इन्वायरमेंट के क्वेश्चंस स्टार्ट हो जाएंगे, और ज्यादा अच्छा लगेगा। और दिन में आपका एक वीडियो आ जाएगा इकोनॉमी का। बिहार स्पेशल की बात करें तो वो मैं आपको बताऊंगा बहुत जल्द, बिहार स्पेशल करा देंगे। ठीक है, वो बिहार स्पेशल यूपी बीपीएससी के लिए आप बोल रहे होंगे अभिषेक जी। दिन में वो दिन में नहीं, सुबह जो हमारा 8 बजे का वीडियो आता है वो परीक्षा खबरी का, करंट अफेयर्स का, और रात में 8 बजे का ये वीडियो आता है, इसमें हम जीएस को डिस्कस करते हैं, और
दोपहर में कभी कभी वीडियो, जैसे स्पेशल वीडियोस आए, जैसे कल मेरा स्पेशल वीडियो आएगा इकोनॉमिक्स का, तो वो आप लोग अवश्य देखिएगा, मिस मत करिएगा उसे। मुझे लगता है कि अब कोई क्वेश्चंस आपके नहीं हैं, तो सेशन को क्लोज करते हैं। आप लोग पढ़ाई करिए आराम से, कल से एनवायरमेंट इकोलॉजी शुरू करेंगे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। दोस्तों आपको बताना चाहता हूँ कि अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर आप प्लस कोर्सेज सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। चाहे आप UPPSC की तैयारी की, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, खंड शिक्षा अधिकारी, RO, UPPCS या UPSSC में लेखपाल या फिर अन्य जो वैकेंसीज आती हैं ग्रुप सी की, सब इंस्पेक्टर UPSI की तैयारी, मतलब कोई भी तैयारी आप उत्तर प्रदेश की कर रहे हैं या फिर UPSC करना चाहते हैं, BPSC करना चाहते हैं, MPPSC करना चाहते हैं, राजस्थान पी, मतलब कुछ भी आप यहाँ NDA करना चाहते हैं, जो भी आप A to Z कोर्स करना चाहते हो, सब्सक्रिप्शन यहाँ पर ले सकते हो। यहाँ पर सब्सक्रिप्शन का आपको दिया रहेगा प्लस सब्सक्रिप्शन, जैसे UPPSC UPSSC का सब्सक्रिप्शन लेना हुआ तो वहाँ पर जितना भी है पे आपको सब्सक्रिप्शन चार्जेस हैं वहाँ पर लिखे मिल जाएंगे। कंटिन्यू करने पे आपको यहाँ पर रेफरल कोड डालने के लिए आएगा, और रेफरल कोड में आपको UD10 यूज़ करना है। आप 1 साल या 2 साल या जितनी मंथ की आप लेना चाहते हो ले सकते हो, सब्सक्रिप्शन आपके ऊपर है। उतने समय के लिए वो मतलब वो जैसे आप UPPSC UPSSC सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो ये आपकी सीट रिजर्व हो जाती है, कोई भी क्लास लाइव क्लास आई हुई या फिर आने वाली वो आप ले सकते हैं। सबसे बढ़िया फ़ायदा यह होता है कि एक निश्चित टाइम पीरियड में कोई सब्जेक्ट समाप्त होता है और आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं, ऑप्शनल हो या फिर GS के सब्जेक्ट हो, प्री मेंस सब कर सकते हैं, क्विज टेस्ट डाउट क्लियरिंग सेशन आप ले सकते हो किसी भी समय। ठीक है ना, तो ये आप चाहें तो ले सकते हैं। UD10 ये रेफरल कोड यूज़ करना मत भूलिएगा, क्योंकि तब आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा, छूट मिल जाएगी आपको जो मूल्य रहेगा उसमें भी। और 1 वर्ष 2 वर्ष के आप सब्सक्रिप्शन चार्जेस अगर देखें तो 2 वर्ष का सब्सक्रिप्शन चार्ज लेना आपके लिए बहुत ही सही पड़ रहा है, सस्ता पड़ रहा है। तो आप जब भी लीजिए 2 वर्ष का लीजिए, मेरा ये सजेशन आपके लिए रहेगा। तो जो लोग ले चुके हैं ऑलरेडी वो हमको 9453775039 पे संपर्क कर लें। ठीक है, हम आपको इसके बारे में कोई भी अगर डाउट होता है तो हम आपको बताएंगे। बाकी अगर कोई आपके डाउट्स हों तो आप हमको बता सकते हैं। फिलहाल आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।